आज हम अपने सबक में कुव्वत और मज़ाहमत के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह ताला मेरे इल्म में अजाफ़ा फरमा। तो जब भी हम कोई काम इस्तेमाल करते हैं तो हम कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उस कुव्वत को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके असरात को देख सकते हैं। जैसे मसलन हम कागज़ पर लिखते हैं तो हम कुव्वत इस्तेमाल होती है, तो हमें लिखता हुआ बंदा तो नज़र आता है लेकिन वो कुव्वत नज़र नहीं आती। इसी तरह जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो भी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम बाइसिकल चलाते हैं या फिर हम ज़ाहिर है कि बाइसिकल चलाने के लिए हम अपने पाँव से पैडल्स को पुश करते हैं, और इस तरह से अगर हम किसी लकड़ी में कील ठोंकते हैं तो हम हथौड़ी पकड़ के उसके ऊपर कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कील ठोकता हुआ नज़र आता है। तो जो काम है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू मोशन। तो ऐसी कुव्वत जो हरकत करती हुई चीज़ों को रोक दे या रोकने की कोशिश करे मज़ाहमती कुव्वत या मज़ाहमत कहलाती है। यानी आज हम देखेंगे कि मज़ाहमत किसे कहते हैं, वो कुव्वत जो चीज़ों को हरकत करने से रोकती है उसको मज़ाहमत कहते हैं, और मज़ाहमत को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। यानी फ्रिक्शन जो है ये मज़ाहमत का अंग्रेज़ी नाम है। जैसे हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, हम उसको हरकत देने की कोशिश करते हैं, तो वो कुव्वत जो इस हरकत को रोकती है वो फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि फुटबॉल जो है उसे अगर ज़मीन पे लुढ़कना बंद कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता असल में ये फ्रिक्शन होती है जो फुटबॉल की हरकत को रोकती है। इसी तरह आप देखें जब हम साइकिल को पैडल मारना छोड़ देते हैं तो भी साइकिल रुक जाता है। तो ये जो कुव्वत है ये फ्रिक्शन या मज़ाहमत कहलाती है। तो फ्रिक्शन जो है वो कम भी हो सकती है और फ्रिक्शन जो है वो ऐसी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे एक चीज़ जब दूसरी चीज़ के साथ मस करती है तो मसलन अगर एक चीज़ को कारपेट पे घसीटें तो ज़्यादा मज़ाहमत होगी, लेकिन अगर उसे टाइल वाली सरफेस के ऊपर घसीटें तो मज़ाहमत कम होगी। इसी तरह रेग माल को अगर ईंट के साथ रगड़ें तो जो है मज़ाहमत जो है वो ज़्यादा होती है। यानी मज़ाहमत खुरदरी सतहों के दरमियान ज़्यादा होती है और जो हमवार सतह होती है उसके दरमियान कम होती है। हमवार सतह को स्मूथ सरफेस कहते हैं और खुरदरी को रफ सरफेस कहते हैं। यानी एक मज़ाहमत उस वक़्त अमल करती है जब एक शय दूसरी शय के साथ रगड़ खाती है। तो स्मूथ सरफेस पे मज़ाहमत कम होगी, रफ सरफेस पे मज़ाहमत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप बारीक बीनी से सतहों का मुशाहिदा करें तो इनके दरमियान छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि आपस में रगड़ खाते हैं, तो उसकी वजह से जो हरकत है वो कम हो जाती है। तो दो चीज़ें जो हैं वो मज़ाहमत या फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं, उसमें एक तो है कि सतह जो है वो हमवार है या खुरदरी है, या आप कितनी दोनों चीज़ों को कितना हार्ड प्रेस कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि मज़ाहमत के असबाब में से एक तो खुरदरापन है। यानी अगर आप किसी मवाद को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसमें ना हमवारी आपको नज़र आएगी, और दूसरा दबाव है। इसीलिए जब आप इस ना हमवारी को किसी तेल से या लिक्विड से दूर कर देते हैं तो मज़ाहमत कम हो जाती है। जैसे आप साइकिल की गरारी में या किसी और मशीन में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये मज़ाहमत को कम करता है। अब हम देखते हैं कि सतह की हमवारी और कितनी वो क्लोजली प्रेस की हुई हैं मज़ाहमत को करती हैं। तो बहुत सारी मज़ाहमत की अकसाम हैं, हम बारी बारी इनको देखते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, जामत मज़ाहमत, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिसलने की मज़ाहमत, रोलिंग फ्रिक्शन, और घूमने जो चीज़ें घूमती हैं उनके लिए जो मज़ाहमत होती है, और फ्लूड या एयर फ्रिक्शन, माया या पानी की मज़ाहमत। तो हम बारी बारी इनको देखेंगे और इनकी मिसालने से समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन या जामत फ्रिक्शन वो होती है जब
दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साकिन होते हैं, यानी वो कुव्वत जिसकी वजह से अजसाम साकिन रहते हैं। इसकी मिसालें ऐसे हैं जैसे एक पेंसिल का मेज़ पर होना, फर्नीचर का फर्श पर होना। और जैसे आपने पेंसिल मेज़ के ऊपर रख दी, तो वो मेज़ के ऊपर इसलिए पड़ी हुई है कि वो हरकत नहीं कर रही, कि दो चीज़ें आपस में मस कर रही हैं, और इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे हम हमारा फर्नीचर, सोफे, टीवी, ट्रॉली और किताब जहाँ हम रखते हैं वहीं पड़ी रहती है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से होती है। या हम अगर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, और अगर हम बैठे हुए हैं चेयर पे तो हमारी कमर जो है बैक चेयर पे पीछे लगी है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। फिर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो जो कुव्वत उनकी हरकत को रोकती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी एक ढलवान से डब्बे को धक्का दें तो कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा, यानी वो कुव्वत जो डब्बे की हरकत को रोकती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे आप हाथों को रगड़ें, आप सीसा स्लाइडिंग झूले से फिसलते हैं तो उसमें जो मुजाहमत जो आपकी हरकत को जो कुव्वत रोकती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमने देखा, ये हमारी आम जिंदगी में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मिसालें हैं। अगर तो मेटल का झूला हो तो हम आराम से फिसल जाते हैं, अगर वो कंक्रीट का हो तो मुदाफ़त जो मुजाहमत है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह आइस स्केटिंग के लिए स्केट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कम करते हैं फ्रिक्शन को। फिर है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी चीज़ों के घूमने की वजह से एक चीज़ जब दूसरी सतह पर घूमती है तो उसकी जो कुव्वत जो उसके घूमने को रोकती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मसलन पहिया है, पहिए का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे होता है, कार में, ट्रॉली में, स्केट्स में। तो लेकिन कुछ आप एक पहिए को चक्कर दें तो कुछ अरसे के बाद वो रुक जाता है, तो वो कुव्वत मुज़ाहमत जो पहिए को घूमने से रोकती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह पहिए का इस्तेमाल जो है वो स्लाइडिंग और जामद फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए हम शॉपिंग के लिए और ज़्यादा सामान उठाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपने स्केट्स भी देखे होंगे, वो जूते जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं, और इसी तरह आपने गाड़ियाँ भी देखी होंगी जो पहिए से चलती हैं। तो ये फ्रिक्शन जो है, मुज़ाहमत जो है स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, इसीलिए ये ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर सकते हैं। फिर है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन या माया या पानी की फ्रिक्शन मुज़ाहमत जो है वो कुव्वत जो हवा में हरकत करने वाले अजसाम की हरकत को आहिस्ता करती है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन माया या पानी की मुज़ाहमत कहते हैं। यानी जब कोई ठोस शय पानी या हवा में हरकत करती है तो उसकी जो उसकी हरकत को जो मुज़ाहमत होती है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे पानी में तैरना, तो जब आप पानी में तैरते हैं तो जो मुज़ाहमत होती है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़, पानी में बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है। इसी तरह समुंदर की लहरों पर तैरना जिसको सर्फिंग कहते हैं, तो इसमें भी फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड की मुज़ाहमत होती है। फिर इसी तरह पैराशूट से छलांग लगाते हैं जब छाता बरदार, तो भी हवा की जो कुव्वत है वो उनको नीचे गिरने से रोकती है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इंसान जब तक अपने अंदर खुद तब्दील नहीं लाता कोई उसे तब्दील नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर भी रेजिस्टेंस है, मुज़ाहमत है, हम तब्दीली नहीं चाहते। हम जन्नत तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन ऐसे अमाल नहीं करते जो जन्नत में ले जाने का बायस हों। तो हमें ऐसे अमाल करने चाहिए ताकि जन्नत हमारी मुंतज़िर हो। और अगर हम अपनी खुशगवार ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो हमें ऐब जोई और नुक्ता चीनी से दूर रहना चाहिए। तो हमें पता है कि रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो। हमें पता है कि जन्नत कितनी खूबसूरत है तो हमें उसके आने की मुश्किलात की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि मुज़ाहमत के फ़ायदे क्या हैं। मुज़ाहमत के फ़ायदे जो हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे
हम जितने काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, चलना, उठना, बैठना, ये सारे अगर मुजाहमत ना हो तो हम ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह हम एक तीली को जब माचिस की साइड से रगड़ते हैं तो आग जलती है, क्योंकि ज़र्रात आपस में रगड़ खाते हैं और आग पैदा होती है। इसी तरह परिंदों का हवा में उड़ना भी मुमकिन है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हवा उनको ऊपर उठाती है और वो हवा में उड़ते हैं। तो फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, लिखना, बैठना, उठना, खाना, कोई चीज़ भी जो खेलना है, अगर ये मुज़ाहमत ना होती तो ये हमारे लिए पॉसिबल ना होता। तो आपने देखा है कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं। तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और हर चीज़ थोड़े से इसके नुकसान भी हैं। जैसे टायर जो हैं गाड़ियों के, वो घिस जाते हैं इस्तेमाल करने से, फ्रिक्शन की वजह से। जूतों के तलवे घिस जाते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो चढ़ने बार बार इस्तेमाल करने से घिस जाती हैं। हाँ, तो ये देखें आप, टायर जो हैं वो नए कितने उनके अंदर होते हैं और उसके बाद वो घिस जाते हैं। इसी तरह जब हम चलते हैं तो रगड़ खा के हमारे जूतों के तलवे घिस जाते हैं और उनमें कई दफ़ा सुराख भी पड़ जाते हैं। तो फ्रिक्शन जो है मुज़ाहमती कुव्वत, उसमें हीट पैदा होती है दो चीज़ों के रगड़ खाने से, जो मशीनरी को नुकसान पहुंचाती है। टायर घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं। हवाई जहाज़ को हवा में उड़ने के लिए ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। मशीन्स जो होती हैं उनके पुर्जे घिस जाते हैं, और अगर बाइसिकल को आप लुब्रिकेट आयल ना दें तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है? जैसे अगर हम सतह को पॉलिश करें, हम जो है वो तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करें, उससे ना हमवारी दो सतहों के दरमियान कम हो जाती है। इसीलिए हम अपने तेल की गरारी को जो है वो ऑयलिंग करते हैं। तो लुब्रिकेशन ऐसा तेल या मटेरियल का इस्तेमाल जो फ्रिक्शन को कम कर दे। फिर हम रोलर्स या पहियों का इस्तेमाल करके भी मुज़ाहमत को कम कर सकते हैं। बाल और बेरिंग का इस्तेमाल के जो स्टैटिक और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उससे रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, तो इसलिए हम रोलर्स और बेरिंग का इस्तेमाल करके कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तो इससे पता चला कि हम लुब्रिकेशन से, ग्रीजिंग से और पॉलिश करने से फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम चीज़ों के डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं जिनको स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, जैसे नोकदार गाड़ियाँ और एयर कुशन का इस्तेमाल, और अपने जिस्म को आगे फॉरवर्ड बेंड करना कि उससे मुज़ाहमत कम हो। इसी तरह जब कभी हमारे पाँव तले छिलका आ जाता है केले का, तो वो फिसलन की वजह बनता है, या अगर हम पानी से भी फिसल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुज़ाहमत को कम करती हैं। तो ये जो वीडियो है आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई है। आप इसको ख़ुद भी देखें, इलम को आम करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, पढ़ें और पढ़ाएँ।